कहाँ हुए? जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि कल रात में थाना डी में एक बदमाश की सूचना थी और उसकी चेकिंग के दौरान उस बदमाश को जब थाना डी की पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल चढ़ा दी थी, जिससे कि उसका घुटना टूट गया था और उसके बाद वो बदमाश भाग गया। उसी बदमाश की तलाश में आज हमारी पुलिस और हमारी एसओजी टीम लगी थी। पता ये चला कि ये बदमाश आज जो है वो सुंदरगंज थाना डी से सूची चौकी की तरफ जा रहा है। तो एक तरफ से इंस्पेक्टर डी के नेतृत्व में टीम लगी और दूसरी तरफ से हमारे एसओजी प्रभारी की तरफ से टीम लगी और इसको उस रोड पर जब घेरा गया तो इसने फायर किया और पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे कि उसको एक गोली लगी और उसको वहाँ मौके से गिरफ्तार किया गया। इस पुलिस मुठभेड़ में हमारे एक सिपाही विक्रम सिंह को भी गोली लगी है और इस बदमाश की पहचान सलमान सनाफ अब्दुल हमीद के रूप में हुई है, जो रानीगंज का रहने वाला है, प्रतापगढ़ जिले का। वहाँ से ये गैंगस्टर में वांछित है और ये मुख्य रूप से इसके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट और चोरी के मुकदमे हैं। इनको यहाँ अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है और आगे आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। एक ही बदमाश था या कोई और? इसके साथ एक बदमाश और था जो मौके से भागने में सफल रहा है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है और अभी काउंटिंग जारी है, कोशिश की जाएगी सीधी उसको। कल रात में एक घटना थाना डी में हुई थी जिसमें मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान एक बदमाश द्वारा हमारे एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी गई थी, जिससे उनका घुटना टूट गया था। उसी बदमाश की फिराक में हमारी एसओजी टीम और डी थाने की पुलिस लगी हुई थी। आज इसकी सूचना मिली कि ये आज फिर डी थाना क्षेत्र में आया है। इस सूचना पर हमारी पुलिस ने वहाँ चेकिंग स्टार्ट की और बाद में ये पता चला कि ये डी सूची रोड पर की तरफ भाग के जा रहा है। तो एक तरफ से हमारी एसओजी प्रभारी और दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर डी ने उसको घेरा और घेरने के बाद उसको जो है उसी रोड पर उसने जो है पुलिस पर फायर कर दिया, जिससे कि हमारी पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ और उस पर फायर किए, जिसमें एक जो है वो उसको गोली लगी और एक बदमाश उसके साथ था जो भागने में सफल रहा। और इस क्रम में हमारे एक सिपाही विक्रम को भी गोली लगी, उसका भी इलाज है। और ये जो अपराधी है उसका नाम सलमान है और इसके ऊपर कई मुकदमे हैं जो अभी तक पता चला है। ये रानीगंज के गैंगस्टर में वांछित है और इसके बाद हत्या के प्रयास और लूट के मुकदमे हैं। अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है और इसमें जो ये अभी इसको यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया है, इसके ऊपर आप अवश्य पैदानी कर रहे हैं। ठीक है, साबिर आओ।